आप सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम। मैं धीरज, मैं आप लोग बीच में आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ जी दोस्तों, आ रहे हैं हम लोगों के बीच में लाइव साहब श्री हरदानंद जी। और कब आ रहे हैं इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ, साहब श्री के सूचनाएं के माध्यम से बताने वाला हूँ आप लोगों के बीच में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा तो ही समझ आएगी। और एक बात, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी गुरु भाई गुरु बहन इस साहब के संदेश से वंचित होंगे उन्हें भी खबर मिल जाए। तो चलिए वीडियो को और जाएंगे, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाकर वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मैं जिस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में चर्चा करता हूँ उसमें आप लोग भी साझेदारी हो। तो चलिए वीडियो को और चलते हैं। संशोधित सूचना दिनांक 20/6/2021 दिन रविवार को साहब श्री हरदानंद जी ने फेसबुक लाइव पर लोगों से बात करने हेतु समय दिया था, परंतु साहब का स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं है। यानी साहब श्री हरदानंद जी ने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव आने के लिए अपनी आज्ञा दिए थे कि मैं सभी गुरु भाई गुरु बहनों से बात करना चाहता हूं रविवार के दिन यानी 20 तारीख यानी कल, लेकिन लाइव रोकने के लिए बोले क्योंकि साहब श्री के तबीयत थोड़ा खराब है, इसीलिए साहब श्री लाइव नहीं आएंगे। और साहब बाबू बोले हैं कि लाइव नहीं आ सकते हैं, आप यहां तक जाने हैं कि साहब श्री की तबीयत खराब है इसीलिए लाइव नहीं आएंगे, और इस लाइव को डेट बढ़ाकर कितने तारीख को आएंगे ये सब इस वीडियो में अभी जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को आगे को चलते हैं। इसीलिए 20/6/2021 का फेसबुक लाइव अब दिनांक 27/6/2021 दिन रविवार को 1 बजे दिन में होगा। यानी साहब श्री ने बोले कि मेरा तबीयत खराब होने के कारण मैं लाइव नहीं आ सकता हूं और बातें नहीं कर सकता हूं, इसीलिए 1 हफ्ता डेट बढ़ा दिया गया। जी हाँ जी दोस्तों, आप सही सुने, 1 हफ्ता डेट बढ़ा दिया गया। यानी कल रविवार से 7 दिन बाद यानी 27 तारीख को रविवार के दिन साहब श्री 1 बजे लाइव आएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल से जुड़े रहिए, मैं भी इसी चैनल पे साहब श्री के लाइव चलाने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और क्या बोले हैं, आगे को चलते हैं। साहब ने हम लोगों से फेसबुक पेज के माध्यम से बात करने पर अपनी सहमति प्रदान की। यानी साहब श्री ने ये सभी चीज को कहने के लिए अपने सहमत यानी आज्ञा दिए कि ऐसा सभी गुरु भाई गुरु बहनों के बीच में जिस फेसबुक पेज के माध्यम से आपने सूचना भेजाए थे उसी फेसबुक पेज के माध्यम से 1 हफ्ता का डेट बढ़ाया जाए, साहब श्री ने ऐसा बोले। और क्या है, आगे को चलते हैं। अतः इस अवसर का लाभ उठाएं और इस दिन समय 1 बजे दोपहर को फेसबुक पेज के माध्यम से साहब श्री से जुड़ने का प्रयास करें। यानी रविवार को दिन 1 बजे साहब बाबू लाइव आ रहे हैं और हम सभी से रिक्वेस्ट किए हैं कि आप लोग सभी गुरु भाई गुरु बहना रविवार को 1 बजे जुड़ने का कोशिश करें, साहब श्री से बातें करने का कोशिश करें। क्या साहब बाबू बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या करने के लिए बोल रहे हैं, सभी बातों को सुनना हम सभी शिव शिष्य का हक बनता है। तो आप लोग 1 बजे 20 तारीख को लाइव देखेंगे साहब श्री का। तो एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी भाई साहब श्री के फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किए तो प्लीज़ जाकर फॉलो कर लीजिए ताकि आप साहब श्री के फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव देख सके। अगर आप लोग को नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम इसी चैनल पे अपने इसी चैनल पे साहब श्री का लाइव चलाएंगे। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से भी साहब श्री के लाइव देख सकते हैं और साहब श्री के फेसबुक पेज के माध्यम से भी लाइव देख सकते हैं। जो भी भाई नहीं जुड़े हैं साहब बाबू के फेसबुक पेज से तो आप जाकर जरूर जुड़ें, अगर जिसे नहीं आता है तो आप इसी चैनल से जुड़े रहिए, हम भी लाइव साहब श्री को चलाने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं भी साहब श्री का लाइव दिखाने वाला हूँ इसी चैनल पर। और क्या है, आगे को चलते हैं। आप सभी जानते हैं कि दुनिया अभी भी कोरोना महामारी से ग्रस्त है, इस वजह से जो भी साहब श्री को लाइव देखेंगे वो समूह में नहीं बल्कि अपने अपने मोबाइल और अपने घर में ही देखेंगे। यानी साहब श्री का कहना है कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी भी दुनिया कोरोना महामारी से ग्रस्त है, अभी भी दुनिया में कोरोना महामारी का पूरा प्रकोप है, इसीलिए आप सभी गुरु भाई गुरु बहना अपने अपने मोबाइल फोन और अपने घर में ही देखेंगे। आप अपने घर में फैमिली वालों के साथ में देख सकते हैं,
ना कि आप एक चौराहे पे जाके साहब श्री के लाइव चलाकर आप सभी को इकट्ठा करके समूह बनाकर वीडियो देखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो आपका गुनाह होगा। या साहब बाबू जैसा कहते हैं वैसा ही हम लोगों को करना चाहिए। और क्या है, आगे कौन चलते हैं, साथ ही साथ लोगों को इस बात के लिए जागरूक भी करेंगे, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। यानी साहब बाबू कह रहे हैं कोई भी शिव शिष्या समूह बनाकर साहब श्री के लाइव नहीं देखेंगे, जो अगर ऐसा करते हैं तो आप उन्हें दमसाएंगे, उन्हें बताएंगे कि भैया ऐसा नहीं कीजिए, नहीं तो हम साहब तक या आपका साहब तक मैं आपका वीडियो बनाकर भेज दूंगा और आपका भी शिव शिष्या परिवार से निकासित किया जा सकता है। इसीलिए आप समूह बनाकर मत देखिए, आप अपने घर में जाइए, अपने फैमिली वालों के पास, अपने फैमिली वालों के साथ ही देखिए, ऐसे समूह बनाकर मत देखिए। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, यानी सभी को बोलिए कि साहब श्री बोल रहे हैं और सरकार ही बोल रहे हैं 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, ऐसे में आप लोग भीड़ बनाकर देख रहे हैं कि आप सरकार के बातों को उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, कि आप साहब की बातों के उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, वो अपने खुद ही खुद समझ जाएंगे। जो शिव शिष्य नहीं होंगे वही नहीं समझेंगे, बल्कि जो शिव शिष्य होंगे वो जरूर समझेंगे। और क्या है, आगे कौन चलते हैं। धन्यवाद अर्चित आनंद, प्राप्त सचिव साहब श्री हरदरानंद जी, रांची झारखंड। आज का जो भी टॉपिक था, मैंने आप लोगों को बीच बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के बीच में वीडियो बनाकर छोड़ा हूं, ताकि साहब श्री की सूचनाएं सभी गुरु भाई गुरु बहनों तक पहुंच जाए, ताकि वो सभी गुरु भाई गुरु बहनों 27 तारीख 1 बजे रविवार के दिन साहब श्री से जुड़ सके। नहीं जुड़ते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर भी मैं साहब श्री के फेसबुक पेज के लाइव चलाने वाला हूं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये सूचनाएं ज्यादा से ज्यादा गुरु भाई गुरु बहनों तक फैलाइए, ताकि सभी गुरु भाई गुरु बहनों को पता चले जाए कि साहब श्री हमारे बीच लाइव आ रहे हैं। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, इसीलिए आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा के वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। मैं आप लोगों का छोटा भाई धीरज, आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम।